मेरा सपना है कि मैं उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ूं, और कभी ऐसा हो कि जो दौड़ने वाले बच्चे हैं भविष्य में जो दौड़ेंगे वो ये सोच के दौड़े कि वो अब मुझे शिवम सरकार का रिकॉर्ड तोड़ना है। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं शिवम सरकार। ये कक्षा 11 में पढ़ने वाला एक आम स्टूडेंट नहीं है, देख लीजिए, पहचान लीजिए इसको। कल हो सकता है इससे ऑटोग्राफ लेने के लिए आपको लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़े। हो सकता है कल ये इंडिया के लिए ओलंपिक्स में 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल लेकर के आ जाए। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत आशावादी हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसका रिकॉर्ड ये बोल रहा है। आपको पता है इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड क्या है 100 मीटर्स में आज की डेट में? इट इज समथिंग अबाउट 10.25 या 10.29। और इसका आज का रिकॉर्ड क्या है? ही इज रनिंग एट द पेस ऑफ 10.40, 10.45, समटाइम्स 10.50 एज वेल। मींस ये नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करने के इतना सा दूर है। तो सोचिए, क्या ये नेशनल रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सकता? क्या ये ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता है, अगर हम इसके यहां पर इसको ये शक्ति दिला दें आज इस डेट में। लोग बोलते हैं तुम इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों हो? मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है सचिन को कभी नहीं पता था जब वो छोटा था कि वो 100 सेंचुरी मारेगा। कभी नहीं पता था उसैन बोल्ट को कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगा एंड बैक टू बैक लेके आएगा। लेकिन हाँ, किसको पता था? उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को, उसके कोच को। और उसने उसके मन में ओलंपिक का गोल्ड मेडल सालों पहले जिता दिया था। मैं चाहता हूं हम सब मिलके इसको आज ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने का सपना दिखाना शुरू कर दें। आज इसको ये बताएं कि तुम जीत सकते हो। इसके लिए चाहिए आपको इसको आपकी ब्लेसिंग्स। और क्यों चाहिए? क्योंकि आज ये जा रहा है स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये पहुंचना है वहां पर, और इसको मैं ये सपना देके भेज रहा हूं कि बेटा स्टेट टू जीतेगा तो नेशनल भी जीतेगा और एक दिन तू ओलंपिक भी जीतेगा और हम सब लाइन लगाएंगे तो एक ऑटोग्राफ लेने के लिए। ये जा रहा है वहां पर एंड आई एम सेइंग यू ऑल द बेस्ट। मैं ये तो नहीं कहता कि तुम जीत के आओ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि तुम अपना 100% देके आना। आपकी भी इसको ब्लेसिंग्स चाहिए और ये वो सब कुछ कर सकता है जो ये चाहता है। और मैं पेरेंट्स से बोलना चाहता हूं, लोगों से बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चे के अंदर के हुनर को पहचानिए। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भगवान ने जो आपके बच्चे के अंदर हुनर दिया है ना, उसको पहचानिए, आगे बढ़ाइए। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे बच्चे अपने हुनरों में आगे बढ़ेंगे। केवल मैथ्स, साइंस, इंग्लिश में करके कोई बच्चा, कोई देश आगे आज तक बढ़ नहीं पाया। आइए पूछते शिवम से कि इसका सपना क्या है। शिवम, क्या बोलते हो? सर, मेरा सपना है कि मैं उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ूं और कभी ऐसा हो कि जो दौड़ने वाले बच्चे हैं भविष्य में जो दौड़ेंगे वो ये सोच के दौड़े कि वो अब मुझे शिवम सरकार का रिकॉर्ड तोड़ना है। क्या बात है, क्या सपना है। हम सब आपके साथ हैं इस सपने को पूरा करने में। जो कुछ भी आपको मदद चाहिए होगी, हम और हमारे देखने वाले सारे लोग आपकी हर समय हर संभव मदद करेंगे। देना इसको ये प्रॉमिस कि हम लोग इसकी मदद करने वाले हैं। दीजिए इसको ब्लेसिंग्स कि ये भी जीतेगा एक दिन ओलंपिक का गोल्ड मेडल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर करियर। थैंक यू सो मच, और जाओ स्टेट लेवल में अपना 100% देकर के आओ। थैंक यू।